आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। चुनावी मैदान में उतरी ग्वालियर की महारानी, पति के लिए इस अंदाज में मांग रही वोट। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया लोकसभा को लेकर इतनी गंभीर हैं, उसका अंदाजा उनके प्रचार के तरीके से ही लग जाता है। वे शिवपुरी पहुंचते ही बाजार में लोगों के बीच आ गईं। उन्होंने जिले के खोल के बाजार में हर शख्स से बात की। वे फल वालों के पास गयी, वहाँ उनसे जिंदगी को लेकर बातचीत की। फल वाले उन्हें अचानक सामने देखकर हैरान रह गए। इसके बाद वे एक साड़ी की दुकान पर गयी। यहाँ उन्होंने दुकानदार से हालचाल जानने के साथ साथ एक पीली रंग की साड़ी भी खरीदी। इस दौरान उन्होंने कई लड़कियों से भी बात की, उनके साथ शॉपिंग की। बता दी प्रियदर्शनी राजे इस लोकसभा चुनाव में आज पहली बार अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांगने निकली हैं। वे आज से दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा अब तक कराए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया और जनता से वोट मांगे। उन्होंने पति सिंधिया को महाराज कहकर पुकारा। उन्होंने जनता से कहा कि महाराज आपके लिए काम करते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें वोट दें। गौरतलब है कि शिवपुरी गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से होगा। गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। साल 2019 के चुनाव में मोदी लहर थी, इस वजह से सिंधिया को यहां से हार मिली थी। उस वक्त बीजेपी ने यहां से केपी यादव को टिकट दिया था, यादव ने सिंधिया को हरा दिया था। गुना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती हैं, बमोरी, कोलारस, पिछोर, मुंगावली, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और चंदेरी। इनमें बमोरी और अशोकनगर को छोड़कर सभी पर बीजेपी का कब्जा है। दो सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जल्द उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने समय लेकर अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।